हेलो एवरीवन, आज फिर आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के यहाँ पर, जो जो बहुत सारे क्रॉप्स होता है देख सकते हैं यहाँ पर। और ये इस तरफ मछली पालन, जो फिश होते हैं उसको यहाँ पर बड़ा किया जाता है। ये आपका यहाँ पर गाय जो होती है, दिख रहा होगा आपको, उसका बैनर टूट गया है। और ये फिर ये क्वार्टर है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। साइकिल, और ये मेरा दोस्त। और आज हम लोग आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। अभी मैं घर पर था तो दोस्त आया मेरा, बोला क्या कि चलो आज घूमने चलते हैं। तो कहें कि चलो आते हैं घूम के। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, उसका ये हॉर्टिकल्चर है। यहाँ पर बहुत सारा जो क्रॉप्स होता है उसका यहाँ पर, जो हिंदी में कहें तो प्रशिक्षण होता है, जो उसका टेस्ट होता है कि कैसे वो क्रिएट होगा। तो देखिए ये अमरूद का, यहाँ पर अमरूद का पेड़ है। और ये क्या है प्रताप, ये कौन सा पेड़ है? ये वाला पौधा, ये वाला? अच्छा, वो भुट्टा था वो? हाँ भाई, कॉर्न देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर का। कुछ वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं समझ सकता हूँ, ये मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए वॉइस कम ही आ सकता है। ये हम लोग आ गए, जो आप दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का जो हाउस बना हुआ है, इसमें वो पौधा होता है जो कि आपको उसको कुछ इन्वायरमेंट चाहिए होता है स्पेशल, तो उसके लिए उसको क्रिएट किया जाता है। और ये आपका जो धान वगैरह होता है, गेहूँ, यहाँ पर उसका क्या कहते हैं, अलग किया जाता है उसको पौधा से। इधर भी वही है सेम चीज़। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड है, कृषि विज्ञान केंद्र फार्म साइंस सेंटर सबौर भागलपुर। ये व्लॉग बनाने का हम लोग का मोटो बस ये है कि आपको जो BAU है उसका आपको व्यू दिखा सकें। तो ये देख सकते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हैं और मैं खुद साइकिलिंग कर रहा हूँ। ये देव जो आप देख रहे हो, ये हाउस बना हुआ है, वाइट है, ग्रीन है, ये सारा जो आपको मैं बताया कि उसको कुछ इन्वायरमेंट चाहिए होता है स्पेशल उस पौधा को, तो उसके लिए उसको किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। अभी हम लोग जाएंगे, एक है उधर एक बगीचा है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर का व्यू आपको दिखाएंगे। तो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये जो आप पीछे देख रहे होंगे, पीछे कहाँ चला गया है, पीछे नहीं दिख रहा है, ये जो साइड है वहाँ पर कुलपति निवास है, जो कि यहाँ पे BAU के हेड होते हैं। और ये जो आप पार्क देख रहे हैं साइड में, हमको याद है कि बचपन में यहाँ पर पिकनिक बहुत मनाया, याद है प्रताप? हमको याद है, हम यहाँ पिकनिक मनाए थे एक बार, छोटे पल लेकर आए थे एक बार, बस आए थे कुछ और चीज़ खा लिए थे बस चले गए बस। चलो यहाँ पर कोई। और यह आप देख, जो आपको ये सामने बिल्डिंग दिख रहा है, ये न्यू बिल्डिंग है
और ये बिल्डिंग होने से पहले यहाँ पर फील्ड होता था, जो कि जहाँ पर हम लोग खेलते थे, बट दे रुइन आवर फील्ड। वही देख सकते हैं, बिल्डिंग तो अच्छा लग रहा है, बट हमारे फील्ड के ऊपर ये बिल्डिंग है तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। और ये है अतिथि निवास, यहाँ जो आपको सामने में है, ये गेट था यहाँ पर, मेन गेट, उसको अभी तोड़ दिया गया है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर। और जो आप देख सकते हैं, वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, और यहाँ पे ये हॉस्पिटल, ये BAU के कैंपस के अंदर है। कहाँ ये क्या बना है, देख सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर था नहीं, तो यहाँ पर कितना सारा बिल्डिंग बन चुका है। और ये कौन सा बिल्डिंग है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ अभी, एग्रीकल्चर का नाम बिल्डिंग था चलता से। ये सब क्वार्टर है, ये सब भी लगा अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुझे तो बस व्यू एंजॉय करने का मन कर रहा है, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। यस, दिस इज द ग्रीन सीनरी, बीच एवं प्रक्षेत्र निदेशालय। जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ जो कोई भी क्रॉप्स होता है, सीड होता है, तो उसका ये प्रशिक्षण होता है। तो यहाँ पर देख सब ये यहाँ पर न्यू न्यू क्रॉप्स हुआ है अभी। ये क्या है, धान है क्या, कि लहसुन है, लहसुन या प्याज लग रहा है ये है। इसको क्या क्या कहता है प्रताप इसको, ये उद्यान गार्डन है, नहीं ये वाला, इसी में बसता है, बीमा बसता है जो, क्या कहता है इसको, ध्यान बीज उत्पादन। हाँ सही बोला यार, ध्यान है लगाए था क्या। अभी कैमरा स्टेबल नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि अभी एक हाथ से साइकिल के हैंडल में हैंडल कर रहा हूँ और एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ, तब भी फुल व्यू दिखाने की कोशिश है। बीज गोदाम किधर जाना है, इधर इधर ना, जो आपको इस साइड दिख रहा होगा, तो उसी साइड से हम लोग आए हैं, बस अलग रास्ता है। ये हम लोग जा रहे हैं एक अलग गांव है, मिर्ज़ापुर, और यह है उद्यान गार्डन। और इधर सब जगह भी धान ही धान है, और नज़ारा स्टेबल नहीं है। यहाँ पर बिल्डिंग तो है बहुत सारा, बट गार्डन भी बहुत सारा है ना, पेड़ पौधा भी। हाँ लग रहा है आग लग गया, हम लोग गए पहले आग लग गया। वहाँ पर जो है थोड़े रुक जाते हैं। Wow, what a beautiful sunset. चलो आगे चलते हैं राइस की तरफ। चलो
इस तरह कौन से राइस है ना, इधर जो चावल होता है, चावल खेती यहाँ सबसे ज्यादा चावल होता है, पारंपरिक खेती, पारंपरिक खेती, वाह परम प्राकृतिक खेती, वाह इस ये वर्ड ही सुनिए कितना अच्छा लगता है। कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ICAR, ये जो बोर्ड है आपको ये सब बोर्ड दिख रहा होगा, इस पर जो क्रॉप सभी इसमें लगे हुए हैं ये उसका डिटेल है, तो वहाँ से पता कर सकते हैं कौन कैसा सीड यूज़ किया गया है उसमें। वाइस तरफ नारियल, अखिल भारतीय सवनिवित अनुसंधान तार परियोजना नारियल। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि यहाँ पर कितना सारा क्रॉप्स है, कितना टाइप का है। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा ये है आपका जो मौसम होता है, वेदर, वेदर फोरकास्ट दिखाते हैं आपको बोर्ड। वाह देयर इज द व्यू ब्रो, देख सकते हैं मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी मौसमी वेधशाला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ये मिल गया हमको एक अपने स्कूल का जूनियर। हाँ यार क्या ही बोले यार, कितना तारीफ करेंगे सब कम है यार ये सबका, गजब। तो पूरे वीडियो में, पूरे वीडियो में एक ही चीज़ दिखा होगा मतलब ग्रीन कलर, अब आ गया राइस, ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक क्या आ गया, जला वला दिया है क्या। डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट पैडी हाइब्रिड्स, पानी में भिगा हुआ है, इसको पानी चाहिए होता है ना बहुत सारा, धान को पानी चाहिए होता है ना, ये सर गेहूँ है यार। हम लोग का बस यही था, तो हम लोग का मोटो यही था कि आपको BAU दिखाएं कि कैसा है यहाँ का क्रॉप्स का, कैसे उसको क्रॉप्स को उगाया जाता है, कैसे तो वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।